नमस्कार स्टूडेंट, आपका न्यू टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब आपको लार्ज टर्म में गिवन होता है, लाइक आपको 9 डिजिट या 10 डिजिट का कोई नंबर दे दिया जाता है, लाइक यहाँ पे 9 डिजिट भी मिलेगी, 10 भी मिलेगी, तो इस वे में है ना, क्योंकि आप अभी 5th क्लास में हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताती हूँ कि आप इसको 1 मिनट के अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 2, 3, 4, कोई कितने भी क्वेश्चन दे दे, आप 2 to 3 मिनट के अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग, असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग, और इंक्रीज कब होता है? जब आप लोअर टू हायर जाते हो। इंक्रीज आपका होता है जब आप कहाँ जाते हो, लोअर टू हायर। ठीक है, जब आप लोअर टू हायर जाते हो, मैं सबसे पहले आप सबसे लोवेस्ट जो टर्म होते हैं उसको लिखते हैं, देन उससे इंक्रीज, और इस ऐसे इंक्रीज करते हुए आप कहाँ तक जाते हो, जितनी भी आपको नंबर ऑफ न्यूमरल्स गिवन है उसमें हाईएस्ट को सबसे लास्ट में लिखते हो। जैसे विद एग्जांपल समझोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पुट राइट करके लिखा हुआ है, ऑलरेडी राइट डाउन कर रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। देखो, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट न्यूमरल गिवन है, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, आपको यहाँ पे 5 न्यूमरल्स गिवन है, तो आपको देखना है हर एक न्यूमरल के अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। ठीक है, क्या कहा मैंने, आप हर न्यूमरल्स के अंदर काउंट करोगे कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। जैसे फर्स्ट है, इसके अंदर काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मैं स्मॉल फॉर्म में यहाँ पे 8 लिख देती हूँ। सेकंड देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे लिख दोगे आप 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे आप लिखोगे 7, यहाँ पे देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे लिखोगे 8। देखो, 10 तक को तो काउंटिंग सबको आती है, ठीक है, इससे ही जी कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, आपको पता है सबसे इन डिजिट के अंदर 8, 7, 9, 7, 8 में सबसे जो लोवेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, गिवन डिजिट में कह रही हूँ, तो 7, 8 में सबसे पहले 7 आना चाहिए, लेकिन 7 कितने टाइम्स है, 2 टाइम, तो यहाँ पे भी 7 डिजिट है और यहाँ पे भी 7 डिजिट, तो आप यहाँ की 2 डिजिट को देख लो, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे कितना है, 27। अब आपको पता है जो 27 है वो लेस देन क्या होता है, 30, इट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे कौन सी आ जाएगी, 27, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2, 7, 8, 9, 9, 8, 8, कोमा लगाओ, इट मीन्स सेकंड प्लेस पे कौन आ गया, ये आपका फर्स्ट प्लेस पे आ गया, ये कौन से प्लेस पे आ गया, सेकंड पे, क्योंकि 7 है तो 7 ही आएगा उसके बाद, मतलब यही डिजिट आएगी, 7 नंबर की डिजिट, तो क्या लिखोगे, 27 के बाद कौन आता है, 30, यहाँ पे हमने इसे ले लिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कुछ करना पड़ा, सिर्फ आपने डिजिट ही तो काउंट करी है। उसके बाद करते हैं 7 के बाद किसे देखेंगे, 8 डिजिट नंबर को, यहाँ पे भी 8 गिवन है और यहाँ पे भी 8 गिवन है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे 21 गिवन है, यहाँ पे 12 गिवन है। ठीक है, अब ये बताओ 21 ग्रेटर होता है या 12, डेफिनेटली इसके बाद कौन आएगा, 12, क्योंकि 8 डिजिट है ना, तो यहाँ पे पहले कौन आएगा, 12, मीन्स इससे ग्रेटर कौन है, 1, 2, 9, 6, 5, 7, 8, 4, इसके बाद कौन आएगा, मीन्स थर्ड प्लेस पे आपका ये आ गया, फोर्थ प्लेस पे आपका ये नंबर आ गया, लिखो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 0, 3।
अब आपके पास नाइन जो डिजिट नंबर है वो ओनली वन है, तो लास्ट में कौन आएगा? ये देखो कितना इजी था, आपको ना कहीं कोई कोमास पुट करना था, ना डिजिट को काउंट ही करके देखना था। आपको सिर्फ मतलब इस नंबर को ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना है, यहाँ पे आप कोमा पुट करोगे फिर पता करोगे, जैसे कि ये वैल्यू आपको करोड़ में गिवन है, ठीक है, तो कोमा पुट करोगे फिर उसको समझोगे ये करोड़ में है, ये लैक में है, ये 10 लैक में है, तो इतना टाइम नहीं लगाना, सिर्फ डिजिट काउंट करना, और आपको 9 तक आता ही है तो उससे इस तरह से कर लोगे। देखो बिल्कुल ईजी मेथड था। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हो, यहाँ पे फिर से अगेन क्या करेंगे, डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 डिजिट। अब सिंपल सी बात है, 9 से पहले कौन आता है? 8, लेकिन ये तो 3 टाइम्स गिवन है, तो कोई बात नहीं, सबके 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट को यहाँ से देख के चलते हैं। अब देखो हमें पता है इसमें सबसे कम कौन है, ये, इट मीन्स ये पहले प्लेस पे आएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, देखो 93 तो 53 से बड़ा है, इट मीन्स सेकेंड प्लेस पे कौन आना चाहिए? ये। थर्ड प्लेस पे कौन आएगा? ये, ठीक है। अब देखो 9 में से काउंट करते हैं, अब 9 में यहाँ पे क्या है, 24, यहाँ पे भी क्या है, 24, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, 24 के बाद यहाँ पे क्या है, 53, और यहाँ पे क्या है, 53, कोई बात नहीं, यहाँ भी ठीक है, तो आप थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए, यहाँ पे क्या है, 6, क्या है, 6, और जबकि यहाँ पे क्या है, 7। अब 6 बड़ा होता है या 7? 7 बड़ा होता है, इट मीन्स आपकी फोर्थ प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ये, क्योंकि ये स्मॉल है, किससे, इस डिजिट नंबर से, तो ये आएगा 5th प्लेस पे। बस आप पुट करना है, आपने राइट डाउन कर लिया है, तो लिखेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे 4 5 6 3 9 9 1 8 5 3 7 9 1 3 2 5 9 3 2 1 6 7 2 3, नेक्स्ट है आपका 2 4 5 3 6 8 0 0 9, एंड द लास्ट वन इज 2 4 5 3 7 0 1 1 9, ठीक है, ये आपका नंबर था। ये था असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स आप स्मॉलर टू हायर जा रहे हो। अगर बात होती है डिसेंडिंग की, एकदम असेंडिंग का अपोजिट होता है, इसमें जाते हो आप हायर टू लोअर, मीन्स जब आप असेंडिंग में बना लेते हो ना, इसको अपोजिट कर दो, मीन्स यहाँ से स्टार्ट कर दो लिखना, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेना इसी नंबर को। लाइक मैं ए पार्ट को ही बता देती हूँ, अगर आप ए पार्ट को सोल्व करते हो तो ये क्या करोगे, इसका आंसर का आप इस नंबर को डिसेंडिंग में करते हो, तो सबसे पहले क्या आएगा, जो सबसे लास्ट में, मीन्स 1 2 9 6 5 4 5 0 3, उसके बाद ये है, तो इसे लिखेंगे 2 1 3 4 5 6 0 3, देन दिस नंबर 1 2 9 6 5 7 8 4, देन 3 0 7 6 8 9 7, देन आपका यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 7 8 9 9 8, बात समझ में आ रही है? मीन्स एकदम आपने ये सपोज जो भी ऑर्डर आपको गिवन था इसका क्या कर दिया, अपोजिट, इसकी फॉर्म में ऐसे, ठीक है, इसकी फॉर्म में आप ऐसे बढ़ते चले। ओके, आई होप आपको ये मेथड बहुत ही इजी लगा होगा, क्योंकि मैंने खुद बच्चों को कराया है तो वो बहुत जल्दी इसको कर लेते हैं इसी मेथड से, चाहे आपको कितना भी बड़ा न्यूमरल गिवन हो, आप इजीली इस मेथड से निकाल लेते हैं। सो थैंक यू।